लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता चौराहे चौराहे पर मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रहे हैं। एनडीए द्वारा 355 सीटें लाने एवं भाजपा द्वारा अपने बलबूते पर 303 सीट लाकर स्पष्ट बहुमत पाने पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह से लबरेज होकर खुशियां मनाना लाजमी है। 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होते ही मालवा मिल चौराहे पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद नंद किशोर पहाड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा एवं भारत का ध्वज लहराकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की और मिठाइयां खिलाकर जनता का मुंह मीठा भी कराया। इस मौके पर पहाड़िया ने कहा कि इस जीत से भाजपा ने इंदौर में भी रिकॉर्ड बनाया है और पूरे भारत में दोबारा स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आकर रिकॉर्ड बना दिया है, इसलिए आज कार्यकर्ता जमकर खुशियां मना रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश भर में ही, ये नहीं कि मालवा मिल चौराहे पे ये जश्न मन रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारे देश का गौरव देश में ही नहीं सारे विदेशों में पूरे वर्ल्ड में जो हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और जो मान सम्मान हमारे भारतवासियों को मिला है उसी को देखते हुए जो आज हमारा जो ये रिजल्ट आया लोकसभा का, तो ये एक अभूतपूर्व मोदी जी की आंधी है। इसमें सारे नेस्तो नाबूद होगा, जितने भी दल थे जो हमारे घटक दल साथ में इनके जो विरोध कर रहे थे, जो बार बार बोल रहे थे का चौकीदार जो बोलने का नारा लगा रहे थे, इनको अब सबक सीखना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए क्या शब्द बोला जाए। राय पे आतिशबाजी करके 21 किलो लड्डू बांटकर भारत पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसको बहुत जश्न की तरह मनाया जा रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के। छह लाख मतों से जीते, 6 लाख मतों से शंकर लालवानी जी की जीती हुई ऐतिहासिक जीत हुई है।